हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है यूके स्टडी वीज़ा को लेकर, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, शायद ही आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है यूके के फंड्स को लेकर। सो अभी की जो यूके की न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें फंड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। जो 115 पेजेस की गाइडलाइंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइल्स एम्बेसी में पड़ी है या जाने वाली है। तो ये जो फंड्स में अंदर जो चेंजेस आई हैं, आई डाउट कि काफ़ी लोगों ने इसको ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया है, पर वो क्यों नहीं किया है आई डोंट नो। पर आज की इस वीडियो में आपको फंड्स को लेकर जो आपके डाउट्स रहते हैं हमेशा कि कितने पुराने होने चाहिए, बेसिकली आपको सब क्लियर कर देते हैं कि फंड्स कितने पुराने चाहिए, कितने दिन पुराने चाहिए, या कोई कहता है कि हम फंड्स लगवा देंगे, पर किसी को ये नहीं पता कि वो जो फंड्स होते हैं असल में वो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स में आपके कौन कौन से बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स है या स्टेटमेंट्स हैं वो अटैच होती है। सो वो काफ़ी एजेंट्स या फिर जो उनके कंसल्टेंट्स हैं वो क्लियर ही नहीं करते हैं इसको लेकर। पर आज इस वीडियो में आपको फंड्स को लेकर जो यूके के न्यू गाइडलाइंस आई हैं और उसके अलावा जो फंड्स को लेकर कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर करने वाली हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से फंड्स एक्सेप्टेबल हैं और कौन से फंड्स नहीं एक्सेप्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फंड्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं। सो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो लोग ओडी करवाते हैं या फिर एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चलेंगे। मतलब जिन्होंने एफडी कराई हुई है और उस पर उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी बच्चे एज ए फंड्स के दौरान वो उस डॉक्यूमेंट्स को फाइल में शो करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। अगर आप इनके सोच रहे हो इसके बारे में देने के लिए, सो प्लीज़ ये मत करना, अदरवाइज आपके रिफ्यूज़ल्स के कारण काफ़ी आ जाएंगे। सो उसके अलावा जो मेन है कि वो फंड्स नहीं लेगा यूके जिसका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड नहीं है वो फंड्स नहीं लेगा, या फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वही आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होंगी जिनका आपके जिस बैंक से आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसका आपके पास इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होगा, और इसके बीच में कोऑपरेटिव बैंक नहीं आते हैं। सो जिन्होंने ट्रांजैक्शंस अपने कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ करवाते हैं उनके लिए ये मेन पॉइंट है कि आपके फंड्स एक्सेप्ट नहीं होंगे टिल जब तक आपके पास इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो फंड्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे जिस अकाउंट पर जो अकाउंट होल्डर का प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, जिसका कंट्रोल अपने अकाउंट्स पर प्रॉपर नहीं होगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इसके बीच में आते हैं बॉन्ड्स, जो लोग बॉन्ड बनाते हैं अपने अकाउंट्स को लेकर या जो भी लेकर, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट तो ज़्यादा देती है बट वो जो अकाउंट होता है उसकी आप प्रॉपर अकाउंट होल्डर नहीं होते हो, क्योंकि वो 3 से 5 साल का आप जो बॉन्ड बना लेते हो वो ऑलरेडी आपका पैसा होता है, आप उसको रिडीम नहीं करवा सकते, बट वो यूके वाले आपको एज ए प्रॉपर अकाउंट होल्डर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा समझते हैं। सो जिन्होंने अपने बॉन्ड्स को रिलेट कर अपनी फाइल्स लगवानी थी तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप आने वाला जो इनटेक है वो ले लेना, बट इस डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना जो फंड्स हैं वो शो मत कराना, चाहे आपके कंसल्टेंट आपको सजेस्ट ही क्यों ना करें, चाहे आपका एजेंट आपको फोर्स ही क्यों ना करें। तो ये जो गाइडलाइन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन की है और ये रिस्ट्रिक्टेड है, सो जो भी आपको कुछ कहे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बॉन्ड्स वाले डॉक्यूमेंट शो नहीं करवाने हैं क्योंकि उसके आप प्रॉपर अकाउंट होल्डर नहीं हो। उसके बाद वो अकाउंट्स, वो फंड्स भी नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे जिसका इमीडिएट एक्सेस आपके पास नहीं है और उसमें से आपकी वो शेयर होल्डिंग भी इसके बीच में आता है, आपके क्रेडिट कार्ड्स भी बीच में आते हैं, वो अकाउंट जिसमें आप इमीडिएट
असेस नहीं करवा सकते हो या आपको टाइम लगेगा, वो फंड्स भी आपके रिलायबल नहीं हैं इस वीज़ा को लेकर। सो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि जिस डॉक्यूमेंट्स पर आपके लोन लिया हुआ है या फिर जो अमाउंट आपके बॉन्ड्स के अंदर आती है या फिर उस बैंक में जिसमें आपकी करेंसी पड़ी है बट उसका कोई इलेक्ट्रिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपके जो फंड्स हैं वो नहीं चलेंगे इस मेन पॉइंट्स के आधार पर। सो इस बात का लोग विशेष तौर पर ध्यान दें कि जो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये फंड्स अलाउड नहीं हैं तो कौन से फंड्स अलाउ हैं। तो अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो फंड्स अलाउ होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। सो वो इंस्टीट्यूशंस जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑफ इंडिया जो है हमारा उसके अंडर आते हैं और मेनली जिनका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड है वो वाले बैंक जो आपके फंड्स हैं वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट हैं। यस गाइस, जो भी आप अकाउंट्स करवाते हो या ट्रांजैक्शन करवाते हो मेक श्योर कि उसका कोई ना कोई, जब भी आप स्टेटमेंट भी निकलवाते हो उसका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है उसका। तो अगर वो बैंक आपका आरबीआई जिस बैंक से आप करवा रहे हो आरबीआई के अंडर है और उसका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड भी है, वो फंड्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। और इसके बाद आता है कि जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी तो आरबीआई के अंडर आते हैं तो इसके फंड्स क्यों एक्सेप्ट नहीं है। तो उनको मैंने पिछले अभी भी समझाया है और अभी भी मैं बता रही हूँ, वो आरबीआई के अंडर आते हैं बट उनका कोई इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड नहीं है। सो इसलिए जो पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये आपके जो फंड्स होंगे इनको रिलेटेड आपके वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो है कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सो सेविंग अकाउंट्स आपका चलेगा और उसके अंदर आपकी जो अमाउंट है वो 28 डेज एटलीस्ट 28 डेज पुराने होने चाहिए और जो आपके लेटर ऑफ बैंक जो बैंक की तरफ से लेटर आता है ठीक है वो भी 31 डेज पुराने होने चाहिए। मतलब जो आपको बैंक में से लेटर आएगा वो 31 दिन पुराना लेटर होना चाहिए और उसके अंदर जो फंड्स हैं वो 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए। मतलब जो ये पूरा है हमारा प्रोसेस है वो 28 डेज से 31 डेज का है। सो ये दो बातों का आप ध्यान रखें कि अगर आपने लेटेस्ट आपका कोई पुराना अकाउंट नहीं है और आपने यूके जाना है तो आपके बैंक का लेटर एक महीने पुराना और जो फंड्स हैं वो 28 डेज पुराने होने मैंडेटरी हैं। और इसके अलावा जो है आपके सेविंग अकाउंट एक्सेप्टेबल है, आपका करंट अकाउंट जो है जिसमें आपका बिजनेस अमाउंट आता है या फिर आपके बिजनेस से साइंड है वो अकाउंट तो वो भी एक्सेप्टेबल है, या फिर पेंशन अकाउंट जिस अकाउंट में सिर्फ पेंशन आती है ऑब्वियसली उस ये कोई वरी नहीं है कि उस अकाउंट में से हम पैसे नहीं निकाल सकते तो इसमें ये कोई जो जैसे पहले वाले अकाउंट्स में था तो इस पेंशन अकाउंट में ये स्टेप उन्होंने नहीं कहा है कि ये येस वी नो कि हम पेंशन अकाउंट से पैसे नहीं जल्दी जल्दी निकाल सकते बट पेंशन अकाउंट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये जो तीन अकाउंट हैं वो आपके एक्सेप्टेबल हैं ठीक है। इसके अलावा जो आते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है उसका कुछ नॉर्म्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराओगे उसके भी आगे कुछ नॉर्म्स हैं तो उसके क्या नॉर्म्स हैं हम अब वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि कौन से जो अकाउंट्स हैं या फिर कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं एज ए फंड्स के तौर पर एक्सेप्ट होंगी। उसके बाद अभी हमने बताया कि कौन से अकाउंट्स एक्सेप्टेबल होंगे और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स फाइल में असेस होते हैं एज ए फंड्स उसके क्या नॉर्म्स हैं जो अभी की जो न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस हैं उसमें आई हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट आती है बैंक की तरफ से ठीक है वो ऑफिशियल लेटर में मेंशन होनी चाहिए उसके हेड पर। मतलब कि जो आपकी जो ऑफिशियल लेटर है उसमें जो स्टेटमेंट है उसके हेड पे मेंशन होनी चाहिए। तो जो भी आप कंसल्टेंट्स के पास जाओगे या खुद की तरफ से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को असेस कराओगे इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक चलता आ रहा है वो मेन यही है कि आपके उस स्टेटमेंट या उस डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होना चाहिए।
और उसके बाद आपके जिसको हम कह सकते हैं कि ई स्टेटमेंट जो हम डाउनलोड करते हैं आपके पास वो होना चाहिए। सो मेन प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड्स को लेकर है। तो अगर आपके पास वो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपके पास लेटर होना चाहिए, बैंक की तरफ से लेटर होना चाहिए, आप जो है प्रॉपर अकाउंट होल्डर होने चाहिए, आपके जो फंड्स हैं वो 28 डेज पुराने होने चाहिए और वो फंड्स मेंशन भी होने चाहिए कि हमारे ये जो फंड्स हैं वो 28 डेज पहले करवाए गए थे या अभी फ्रेश वाले हैं, आपके उस डॉक्यूमेंट्स में ये सब मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो है सबसे मेन पॉइंट, जिस बैंक से आप करवा रहे हो आपके डॉक्यूमेंट्स में उस बैंक का ब्रांच कोड होना जरूरी है। तो ये तो थे वो डॉक्यूमेंट्स के नॉर्म्स जो होने मैंडेटरी हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो डेट्स मेंशन करनी है वो कौन सी डेट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपकी स्टेटमेंट इशू होगी उस स्टेटमेंट की इशू का जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, कि इस डे को हमारी मेंशन हुई थी स्टेटमेंट, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। उसके पास आपका जो बैलेंस है कि वो कितना पुराना है और कब आपने बैलेंस करवाया था उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने मिनी स्टेटमेंट निकलवाई है एटीएम से तो वो भी वो डॉक्यूमेंट एज ए अटैच करके दे देते हैं, बट मिनी स्टेटमेंट ऑफ एनी एटीएम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये इन्होंने स्पेसिफाई वर्ड्स में कहा है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या फंड्स लगवा रहे हैं तो क्या हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हैं नहीं है, या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जो मैंने आपके आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर कर दिए हैं विद डेट फॉर्मेशन, इन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि फंड्स को लेकर बहुत बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आती हैं और स्पेसिफिकली उन बच्चों के जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपने फंड्स पर लोन लिया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो फंड्स अटैच करवाते हैं, स्पेसिफिकली उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जो हैं वो रिफ्यूज़ल्स आती हैं। सो उन बच्चों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इनटेक नेक्स्ट कर लेना, बट अपने फंड्स के साथ जो है कुछ भी ऐसा मत करना कि आपकी रिफ्यूज़ल लग जाए, क्योंकि रिफ्यूज़ल लगना और एक इनटेक लेट होने में काफ़ी डिफरेंस है। और उसके अलावा जो मंजिल है मेरी कंपनी जो है वो बिल्कुल आपको जेन्युइन फंड्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करवा के देता है, क्योंकि ये अभी मार्केट में चल रहा है कि यूके की वीज़ाज़ जो है मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि 99% अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट्स और एजेंट्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि बच्चों की रिफ्यूज़ल ना आए, तो उसके कारण वो एडिशनली अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, बट वो काम हम नहीं करते। तो फंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और पार्ट ऑफ यूके वीज़ा स्टडी वीज़ा। तो जब अगर आप अपनी वीज़ा लगवाओगे तो अपने फंड्स को रिलेटेड काफ़ी अवेयर रहना और अपने वीज़ास जो हैं उनको, मैं एक और जो न्यूज़ इसमें ये देना चाह रही हूँ कि जैन इनटेक वो ओपन हो चुका है यूके को लेकर। तो क्या होता है कि यूके के जो वीज़ास है वो स्टार्टिंग में ही लगने शुरू हो जाते हैं और एंड में हैं, बिल्कुल बहुत फ्यू सीट्स रह जाती हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने जैन इनटेक में अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है वो जल्द से जल्द मंजिल आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस करवाए और वीज़ा लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं या आप अपने जो क्वायरीज़ हैं वो हमारे स्टाफ्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।